अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मतलब कि फ़्लाई दुबई में बग़ैर अप्रूवल के जा रहे हैं। इसके लिए पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं कि मेरी टिकट हो चुकी है। ये देखें, ये फ़्लाई दुबई की है, फ़्लाई दुबई की मैं करा चुका हूं कराची से। तो जैसे कि मैंने आपको बताना था कि बग़ैर अप्रूवल के आई सी अप्रूवल के आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं कि अब की जब जो है मतलब कि अपडेट है। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन 14 तारीख की है, 14 सितंबर, तो बग़ैर आईसी अप्रूवल के। लेकिन एक शर्त है, आपका जो वीज़ा है वो जो है इसका दुबई का नहीं होना चाहिए। दुबई के लिए आईसी अप्रूवल लाजिम चाहिए। मेरा वीज़ा है अबूधाबी का, तो अबूधाबी का वीज़ा के ऊपर जो है आप आईसी मतलब के विदाउट आईसी अप्रूवल आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी मैंने टिकट कराई है, तकरीबन ये है 14 तारीख की है, सुबह मतलब कि 11:40 पर टेक ऑफ होगी और वहाँ के दुबई के 12:55 पे 55 मिनट्स पे जो है लैंड होगी। तो ये जो है इसमें हो गई है बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी चीज़ के, तो आप लोग भी करा सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं फ़्लाई दुबई के ऑफ़िस गया था, ख़ुद मेन ऑफ़िस जो है कराची में, तो वहाँ से मैं मतलब कि ये लेके आया हूँ टिकट। तो मतलब कि सही प्राइस में भी मिली है और वो भी मिली, उन लोगों ने पक्का प्रूफ दिया है कि आप बग़ैर आईसी अप्रूवल के आप लोग जा सकते हैं। तो मतलब कि विदाउट दुबई वीज़ा, अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आपको आईसी अप्रूवल लाजिम चाहिए। तो आप लोग जाके मतलब अगर आप लोग कोई भी पाकिस्तान आया है, मैं भी एमरजेंसी के लिए आया हुआ था, एमरजेंसी पाकिस्तान आया था, तो मतलब कि फिर मैंने वापसी जाना था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बहुत रिसर्च किया। तो कुछ एजेंसी वाले जो टिकट लेते हैं तो वो लोग कुछ कह रहे थे कि आप जा सकते हैं, कुछ कह रहे थे नहीं जा सकते हैं। तो कराची शाहरा फैसल में जो फ़्लाई दुबई का मेन ऑफिस है जो दुबई से कनेक्टेड है, तो वहाँ मैं गया, वहाँ उन लोगों ने बताया कि विदाउट दुबई के वीज़ा जो है उसके अलावा किसी भी स्टेट के वीज़े आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं दुबई एयरपोर्ट में, किसी बगैर प्रॉब्लम के, किसी बगैर मतलब के इशू के, विदाउट आईसी अप्रूवल। अगर आपको दुबई का वीज़ा तो आईसी अप्रूवल लाजिम चाहिए, अगर दुबई का वीज़ा नहीं है तो फिर आईसी अप्रूवल मतलब के नहीं चाहिए, दुबई का वीज़ा तो लाजिम चाहिए। तो उसके लिए आपको कोरोना टेस्ट की तो हर हाल में ज़रूरत है, अप्रूवल चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, कोरोना टेस्ट का आपको अप्रूवल लाजिम चाहिए। आपने कोरोना टेस्ट कराना है, कोरोना टेस्ट कराने के बाद ठीक है, तकरीबन कोरोना टेस्ट में 4 दिन का जो है ना कोरोना टेस्ट का जो है एक्सपायरी डेट होती है, तो 4 दिन की एक्सपायरी डेट होती है। तो आप तकरीबन अगर मेरी 14 की है तो मैं आज कराऊंगा, आज कल भी करा सकता था, आज भी कराऊंगा। तो आज कराने के बाद जो है वो मेरी तकरीबन कल मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, तो परसों की मेरी फ़्लाइट है, तो 2 दिन में मतलब कि सही है, 2 दिन एक्स्ट्रा भी बच जाएंगे कोई प्रॉब्लम को इशू तो कोरोना टेस्ट के कर। और दूसरी बात, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट और जो आपका वीज़ा है ठीक है, जिस भी स्टेट का है उसकी मतलब कि कॉपी और पिक्चर यानी कि, और कोरोना टेस्ट का, ये दोनों आपने एक उस पर ईमेल पे सेंड करना है, PRC पे आप PRC@flydubaipk.com पे आप लोगों ने वो क्या कहते हैं अपना सॉरी कोरोना टेस्ट और अपना ये साथ में वीज़े की फ़ोटो आप लोगों ने उस पर सेंड करनी है, तो वो उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आपको कराची एयरपोर्ट में 1000 रुपये लेके तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इससे अच्छा जब जैसे ही आप लोग टिकट कराएं, टिकट कराने का कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद PRC@flydubaipk.com पे लाजम सेंड करें, फिर आप लोग विदाउट आईसी अप्रूवल, विदाउट किसी चीज़ के आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा दुबई। अगर दुबई का वीज़ा आपका है तो आप लोग मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते, आईसी अप्रूवल की लाजम ज़रूरत है, आईसी अप्रूवल, कोरोना टेस्ट, फिर जाके आप ट्रैवल। अगर उसके अलावा किसी और स्टेट का आपका है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं है, ये बावजूद मेरे ये प्रूफ टिकट है। आप लोग चाहें तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल इजी है। अगर आप दूसरे स्टेट का तो आ सकते हैं। पहले मैं भी शुरू में मतलब के डर रहा था कि पता नहीं मैं अगर टिकट लूँगा फिर टिकट वेस्ट हो जाएगी तो जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, तो फिर इसलिए मैंने विज़िट किया है कि फ्लाई दुबई के मेन ऑफिस, तो वहाँ तो हो गया है, मतलब उन लोगों ने क्लियर बता दिया है, टिकट भी कर दी है। अगर उसके अलावा आप किसी दुबई के उसके हैं तो उसके भी अनकरीब जो है आईसी अप्रूवल कह रहे हैं कि रिमूव होने वाला है, तो मैं तो चाहता हूं कि इंशाल्लाह रिमूव हो जाए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोरोना कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहां से आप लोग अगर जाना चाहते हैं, कोई भी जाना चाहता है, तो आप लोग फ़्लाई दुबई की टिकट ले सकते हैं बग़ैर किसी मतलब के टेंशन के, बग़ैर किसी कन्फ्यूज़न के, आराम से ले कर आप लोग जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।